Praise the Lord, Pastor Ji. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. God bless you. God bless you. आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और इस समय पढ़ने के लिए हम खोल लें इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसके 17 पद से आखिर तक मैं पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय Ephesians chapter 4 verse 4 17 to the yes, end of the chapter 32 इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं तुम अब से फिर ऐसे न चलो। रिबाउंड हो रही है मेरी आवाज, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन के कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। उस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले कामों काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु की आशीष उसके वचन के पढ़े जाने पर हो। आमीन। हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु,
अति नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को हम तेरे सन्मुख झुकाते हैं। तेरे पवित्र मीठे नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं। और प्रभु जी, हम तेरे बच्चे हैं, तूने हमको दाम देकर मोल लिया है, तूने हमको एक नया जीवन दिया है, और उसी नए जीवन के विषय में आज शाम को हम लोग विचार करना चाहते हैं कि किस प्रकार से जब हमारा जीवन नया हो जाता है, हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु की सहायता से अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हैं। स्वर्ग पिता, हम में से हर एक की सहायता कर, हमारे मन के विचारों को शुद्ध कर प्रभु, और हर एक पापों को मिटा डाल, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर पिता, और होने दे कि हमारा ध्यान सदा उन बातों की ओर हो जिससे तू प्रसन्न होता है और जिसके द्वारा से हमारा आत्मिक जीवन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रभु जी, हम में से हर एक अपने आप को जांचे और परखे कि हम विश्वास में हैं या नहीं, और अगर नहीं है प्रभु तो हम तुझ में नए बन जाएं, क्योंकि ये नया साल तूने हमें दिया है और सब कुछ हमारे लिए नया हो गया है और तूने हमें नया बनाया है, इसलिए हमें सिखा कि हम नई चाल और नया जीवन किस प्रकार से इस 2023 में व्यतीत करें। प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। आज इस 2023 का 14 दिन समाप्त हो गया है और महीने के आखिर तक हमारे लिए ये नया साल ही रहेगा, और विशेष करके हमारा ध्यान 30 और 32 पद के ऊपर जाता है। विशेष करके हम इन दो पदों के ऊपर ध्यान करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 बातें लिखी हैं जिनको हमें त्याग देने की सलाह दी गई है। कड़वाहट नंबर 1, प्रकोप नंबर 2, क्रोध नंबर 3, कलह नंबर 4, निंदा नंबर 5 और वैर भाव नंबर 6। ये 6 बातें तुमसे दूर की जाएं और एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में से हो, जैसे परमेश्वर ने तुम मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पौलुस हमें इस पैसेज में ये बताना चाह रहा है कि जब हमारा पुराना मनुष्यत्व यानी बीता हुआ साल या बीता हुआ जीवन जो हमने 2022 में बिताया, तो अब 2023 में हमें कुछ नई बातों को अपने जीवन में स्थान देना है। और मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि जब हम लोग सफर करते हैं तो अपने साथ अपना सामान भी ले जाते हैं, और कभी कभी सामान की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए स्टेशनों पर और बस स्टेशनों पर ये लिखा हुआ मिलता है कि कम सामान लेकर चलो तो सफर अच्छा रहेगा। यानी अगर हम सामान
सिर्फ जो हमारे लिए जरूरी है वही रखें और अधिक सामान ना ले चलें तो हमारा सफर अच्छा रहता है। तो ये हमारा आत्मिक सफर है और आत्मिक सफर में हम अपने आत्मिक जीवन में किन बातों को, किन बोझों को जो हमारे साथ साथ अब तक रहे हैं छोड़ दें, अलग कर दें और उन चीजों को या उन बातों को अपने साथ ले चलें जो हमारे आत्मिक जीवन में, जो हमारे बदले हुए जीवन में हमारी सहायता करें। इन दो पदों में हमको ये बातें मिलती हैं, हम एक एक करके उनके पर ध्यान करेंगे। लेकिन आरंभ में पौलुस ने हमें विश्वासियों और अविश्वासियों की तुलना के विषय में बताया, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। अनर्थ रीति क्या है? अनर्थ रीति वो है जो कि मनुष्य की इच्छा के अनुसार है। हमने बार बार ये सीखा है कि हम एक मसीही योद्धा हैं और मसीही योद्धा होने के नाते हमें अपनी आत्मिक लड़ाई लड़नी है और जब हमें अपनी आत्मिक लड़ाई लड़नी है तो हमारे अंदर तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम शैतान का मुकाबला कर सकें। लेकिन हाँ, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो वो हमारा सहायक है। और इसलिए भाई पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों के 3:9 में कि हम मसीह के साथ काम करने वाले हैं, हम उसके सहकर्मी हैं। सहकर्मी किस बात के लिए? हमारे उद्धार के कार्य के लिए, हमारे जीवन के नए हो जाने के लिए। क्योंकि हमारे पुराने जीवन में कुछ ऐसी बातें थी जो कि हमारे लिए बोझ बनी हुई थी, जो हमारे लिए एक रुकावट के रूप में हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने में सहायक नहीं थी, लेकिन एक रुकावट थी। और उन्हीं बातों को पौलुस 31 में कहते हैं, कड़वाहट। अब ये कड़वाहट जो है किस बात को बताता है? ये रिलेशनशिप को बताता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बाइबल की पूरी कहानी जो हमारे उद्धार के साथ संबंध रखती है वो रिलेशनशिप के ऊपर ही आधारित है। हमने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और सब कुछ बनाने के बाद जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाएं। 26 यानी कि 1:26। और परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप अपने समान अपने स्वरूप में बनाया और
दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस आदम को मिट्टी के एक शरीर में डालकर उसमें उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। अब इसके तीन हिस्से हैं, इस मनुष्य के तीन हिस्से हैं, जिसको कि भाई पौलुस हमें बताते हैं थिस्सलुनीकियों के पहला थिस्सलुनीकियों और उसके पांचवें अध्याय में उसके 23वें पद में। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो ये तीन चीजें हैं इस शरीर में, आत्मा प्राण और देह। तो दूसरे अध्याय में, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, जब परमेश्वर ने आदम को एक मिट्टी के शरीर में रख दिया तो आदम एक जीवित प्राणी बन गया। हमें ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा के साथ संगति की जो पाप में पड़ने से पहले थी, जब तक पाप मनुष्य के जीवन में नहीं आया था, तो आठवें पद में लिखा है, तीसरे अध्याय के आठवें पद में, कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय आकर उस अदन की वाटिका में मनुष्य के साथ संगति करता था। ये परमेश्वर की योजना थी कि वो मनुष्य के साथ संगति करे, क्योंकि जैसा वो पवित्र है वैसा मनुष्य भी पवित्र था, जैसा वो अनंत है वैसा मनुष्य भी अनंत था, उसमें पाप नहीं था, और इसलिए उसके संग संगति परमेश्वर कर सकता था और कर रहा था जब तक कि पाप बीच में ना आ गया। और जब पाप बीच में आ गया तो संगति टूट गई, और यहीं से हमारे बचाए जाने की योजना जो परमेश्वर के माइंड में थी या उसके मन में थी वो आरंभ हो जाती है। और परमेश्वर ने उस गिरे हुए मनुष्य को जो पाप में फंस गया था फिर से उसी पवित्र स्थिति में लाने के लिए जो योजना बनाई वही है सारे बाइबल की कहानी, कि किस प्रकार से उसने पहले 6 प्रकार से मनुष्य के साथ अपना संपर्क बनाए रखने की चेष्टा की, जो हम लोगों ने सीखा है और सुना है। सबसे पहले तो याजकों के द्वारा, और सबसे पहले व्यवस्था के द्वारा, जो कि उसने 10 आज्ञाएं लिख करके दी थी 2 पटियों के ऊपर मूसा को। तो ये परमेश्वर का लिखित वचन सबसे पहले मूसा के हाथ में लगा जो 10 आज्ञाओं का था, और उसके बाद हमको इतिहास बताता है कि पहली 5 पुस्तकें जो हमारे बाइबल में हैं वो मूसा के द्वारा रचित हैं, यानी मूसा ने उनको लिखा है। तो व्यवस्था एक साधन बना,
जिससे कि गिरे हुए मनुष्य का संपर्क परमेश्वर के साथ हो। दूसरा, उसने याजकों का प्रयोग किया जो कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में सेवा का काम करते थे। तीसरे, उसने न्यायियों को प्रयोग में लाया जो परमेश्वर के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जैसे शमसोन इत्यादि। चौथा, उसने पॉलिटिकल बुक्स, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल बुक्स, तो पांचवी है, लेकिन चौथा, उसने राजाओं को भी प्रयोग में लाया। राजा लोग भी परमेश्वर के मनोनीत होते थे, यानी ठहराए हुए होते थे। तो व्यवस्था हो गई, याजक हो गए, न्यायी हो गए, राजा हो गए, ये चार। और पांचवा जो था वो नीति वचन की पुस्तकें, जो कि पांच हैं, पोएटिकल बुक्स हम कहते हैं उसको, यानी कि कविता के रूप में वो पांचों पुस्तकें लिखी हैं। अय्यूब से आरंभ होता है, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सर्वोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ये पांच पुस्तकें जो है ये पांचवा जरिया था या तरीका था या साधन था जिसके द्वारा से गिरे हुए मनुष्य का संपर्क परमेश्वर के साथ होता था। छठवा साधन जो था, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर का वचन मनुष्यों के पास पहुंचता था। तो ये छह साधन थे जिनके द्वारा से कि परमेश्वर का संपर्क गिरे हुए मनुष्य के साथ बंधा रहा, लेकिन फिर भी पूर्णता नहीं आई, शुद्धता नहीं आई, और मनुष्य पाप में पड़ा ही रहा जब तक कि सातवां नहीं आ गया। क्योंकि इन सात की संख्या जो है वो पूरक की संख्या है, यानी कि कोई काम एक पर आरंभ होता है वो सात पर समाप्त हो जाता है। बाइबल में इसके बहुत से उदाहरण हैं। तो सातवां तरीका जो था मनुष्य का परमेश्वर के बीच में एक बिचवई आए, और वो था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के इस सीन पर, इस दृश्य पर आने पर ये काम पूरा हो जाता है, यानी उद्धार का कार्य जो मनुष्य जाति के लिए आवश्यक था प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में पूरा हो जाता है। अब रही बात कि हमें नया बनना है। हम तो पुराने हो गए, शैतान का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर हो गया था, और ये सारी बातें जो 31वें पद में पौलुस ने बताई हैं, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव, ये सब एक छह बातें जो है ये हमारे जीवन में बास करती थी। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं, तो अब भी वो बातें हमारे जीवन में बास करती हैं। लेकिन अगर हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है, जैसा कि पौलुस यहाँ कहता है 22वें पद में कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली विलासाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो।
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिर्जा गया है। अगर हमने पुराने साल में ये जीवन व्यतीत किया तो नए साल में आवश्यक है कि हम अपने पुराने जीवन को इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट करने का मतलब है जांच पड़ताल करें, उसका निरीक्षण करें, उसकी समीक्षा करें और देखें कि हमारे पुराने जीवन में क्या ये बातें मौजूद थीं, क्या वो अब भी हमारे अंदर हैं। और अगर हैं तो पौलुस कहता है कि मसीह में तुम एक नई सृष्टि हो गए, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और समय के साथ साल भी नया हो गया है, पुराना साल तो बीत गया और अब एक नया साल आया है। तो इस नए साल में हमारे सामने एक नया मनुष्यत्व है, एक नया संकल्प है, एक नई दृढ़ता है, एक नई योजना है जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए भेजा गया है। और प्रभु यीशु मसीह का रूप इस समय पवित्र आत्मा का है। हमने सीखा है कि उसके तीन प्रगटीकरण हैं। परमेश्वर तो एक ही है लेकिन उसके प्रगटीकरण बहुतेरे हैं, जिनमें तीन मुख्य हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पिता के रूप में वो सच्चा परमेश्वर है जिसने अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। पुत्र के रूप में वो हमारा उद्धारक हो गया क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है और मनुष्य को मरना है। रोमियो के 3:23 में प्रभु भाई पौलुस कहते हैं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, यानी परमेश्वर की महिमा प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी रोमियो की पत्री के 6:23 में भाई पौलुस कहते हैं कि पाप की मजदूरी तो मौत है, पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु धार्मिकता के निमित्त प्रभु यीशु मसीह में ये अनंत जीवन का वरदान है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का अधिकारी हो, लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। और इसलिए इस अध्याय के शुरू में जो हम लोगों ने पढ़ा, दो प्रकार के लोग यहाँ बताए हैं पौलुस ने, अन्य जातीय, ये विश्वास के दृष्टिकोण से है। अन्य जातीय अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम भी ऐसे ही थे पर अब तुम नए हो गए हो, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है पर तुम्हारी बुद्धि नहीं हो गई। तो जो विश्वासी हैं उनके लिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा जीवन बदल चुका है, तुम्हारी बुद्धि अंधेरी नहीं है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। और जब बुद्धि अंधेरी हो जाती है तो आंखें भी अंधेरी हो जाती, अंधी हो जाती, कान भी बहरे हो जाते, क्योंकि इन दोनों का
संपर्क हमारे आत्मिक जीवन से है। भाई ब्रानम ने हमको बताया है पांच प्रकार के सहायक जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए दिए गए हैं। जैसे कि हमारा शारीरिक जीवन जो है उसको चलाने के लिए हमारे पास पांच इंद्रियां हैं, और ये पांचों इंद्रियां हमारे फेस के ऊपर पाई जाती हैं। सबसे पहला जो है स्पर्श, स्पर्श करने से हम जान सकते हैं कि हम क्या छू रहे हैं। छूने से हमको मालूम हो जाता है कि ये चम्मच है या छुरी है या बेलन है, कप है या प्लेट है, जो कुछ भी हम छूते हैं तो छू करके हमको महसूस होता है कि हम किसी पदार्थ को पकड़ रहे हैं। छूने से हमको मालूम होता है, ये एक इंद्रिय है जिसके द्वारा हमारा शरीर काम करता है। दूसरा है स्मेलिंग, यानी कि सूंघने से हमको गंध मालूम होती है, खुशबू मालूम होती है, तो ये दूसरी इंद्रिय है। तीसरा है आंखों के द्वारा हम देखते हैं, तो देखने के द्वारा से भी हम मालूम कर लेते हैं कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। ये शरीर का एक सहायक अंग है, एक इंद्रिय है जिसके द्वारा से हमारा शरीर काम करता है। चौथी चीज सुनना है, जो आवाजें हमारे कानों में जाती हैं उनको हम सुन करके मालूम कर लेते हैं कि ये आवाज कैसी है और कोई जो हमसे बोल रहा है वो क्या कहना चाहता है, ये चौथा है। और पांचवा है चखना, यानी कि टेस्ट, अपने जीभ के द्वारा से हम किसी चीज को चखते हैं, मीठा है या खट्टा है या तीता है कि कैसा है। तो ये पांच हमारे रिसोर्सेस हैं हमारी बॉडी के या हमारे शारीरिक अंगों के, जिसके द्वारा से हम अपना शारीरिक व्यवहार करते हैं और अपने काम को करते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हमारे शारीरिक भौतिक जीवन के लिए ये पांच इंद्रियां हैं, तो हमारे आत्मा के लिए भी पांच इंद्रियां हैं जिनके द्वारा से हमारा स्वभाव जो है वो बदल जाता है। परिवर्तन जो है हमारी आत्मा में होना चाहिए, जिसको कहते हैं कन्वर्जन या बदलाव हमारी आत्मा में, जिसको भाई पौलुस मनुष्यत्व कहते हैं। मनुष्यत्व यहां उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व का विस्तार जो है वो हमारी आत्मा के साथ संबंध रखता है। तो हमारी आत्मा के जो कार्य हैं वो भी बुद्धि के द्वारा से चलाए जाते हैं, जिसमें देखना आता है और सुनना आता है। और बाइबल में बताया गया है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और मत्ती के 13:16 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। तो ये देखने की आंखें और सुनने के कान आत्मिक हैं, ये शारीरिक कान की बात नहीं हो रही है और शारीरिक आंख की बात नहीं हो रही। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य है तुम्हारी अंदरूनी आंखें, मन की आंखें
और धन्य है तुम्हारे मन के कान जो देखते और सुनते हैं और समझते हैं, और इसलिए तुमको परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, क्योंकि तुम्हारे पास देखने के लिए कान, देखने के लिए आंख दी गई है और सुनने के लिए कान दिया गया है, जिसके सहारे तुम अपने आत्मिक जीवन को चला सकते हो। तो अब ये पांच इंद्रियां जो हैं हमारे मन की या हमारे आत्मा की, वो क्या क्या हैं? इंग्लिश में एक शब्द है मिरेकल। मिरेकल का अर्थ होता है आश्चर्य कर्म। ये इसमें सात लेटर मिला करके ये शब्द बना है मिरेकल। अगर आप गिनोगे तो इसमें सात अक्षर हैं। अंतिम दो अक्षर जो हैं एल ई, उसको आप निकाल दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, तो आपके पास पांच बच्चे। तो ये पांच लेटर जो हैं, ये पांच इंद्रियों के लिए बताए जाते हैं। ये पांच लेटर जो हैं, पांच अंदरूनी हमारे जो मन की आत्मा की जो सहायक हैं, जिसके द्वारा से हमारा नया जीवन संचालित हो सकता है, ये पांच हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये पांच लेटर किसके लिए हैं, कौन कौन सा शब्द बनता है। तो पहला लेटर जो है मिरेकल में एम है, तो एम से होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, यानी हम अपने जीवन की, बचपन की बातों को और जो कुछ हमारे जीवन में घटा है याद रखते हैं। तो हम मेमोरी का प्रयोग करते हैं अपने जीवन को जांचने के लिए और उसे नया बनाने के लिए। मेमोरी हो गई यानी याददाश्त। दूसरा लेटर जो है उसको कहते हैं आई। आई जो है इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब हुआ कि हम कुछ बातों की कल्पना करते हैं, सोच विचारों में हम कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हम कल्पना करें कि हम हवाई जहाज पे जा रहे हैं, लेकिन हम जमीन पे बैठे हैं, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि हम हवाई जहाज पे जा रहे हैं। तो अपने मन में हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन। और ये बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे सोल के ऊपर, कि हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा जो है, वो क्या बची हुई है या अभी तक प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में नहीं आई, क्योंकि ये मेमोरी जो है और इमेजिनेशन जो है, ये गलत काम भी कर सकता है अगर वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। तो अगर प्रभु यीशु मसीह में है तो वो इनका प्रयोग अच्छे कामों के लिए करेगा। तो पहला हो गया मेमोरी यानी याददाश्त, दूसरा हो गया इमेजिनेशन यानी कि यादगार, और तीसरा लेटर जो है वो आर है। आर जो है वो रीजनिंग के लिए, रीजनिंग, कि हम सोच विचार कर सकते हैं और भला बुरा मालूम कर सकते हैं रीजनिंग के द्वारा। तो भले बुरे का ज्ञान जो है
वो रीजनिंग के द्वारा से होता है। तो तीन हो गए आपका, मेमोरी हो गई, इमेजिनेशन हो गया, रीजनिंग हो गई। उसके बाद आता है ए, और ए से होता है मैं भूल गया अभी ए से क्या होता है, फिर आखिर में है सी, वो है कॉन्शियंस, यानी कि हमारा विवेक, जिसको कि पौलुस यहां कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, यानी कि उनका कॉन्शियंस जो है, विवेक जो है वो समाप्त हो गया है, बदला हुआ नहीं है। और उस पर किसका अधिकार है? शैतान का अधिकार है। तो यहां अन्य जातियों से जो अर्थ है लगाया जाता है, जो भाई पौलुस ने प्रयोग किया है, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो बदले हुए लोग और दूसरे अन्य जातियां। तो एक समय था कि हम भी अन्य जातियों में थे, लेकिन हम अन्य जातियों से निकल आए और प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण हमारा जीवन बदल गया। और इन पांच चीजों के द्वारा से, सेंसेस के द्वारा से हमारा आत्मिक जीवन अब चलाया जाना चाहिए, तब तो हम नए साल में नया सिद्धांत अपनाएंगे, नई योजना बनाएंगे और नए रेजोल्यूशंस लेंगे और अपने लिए कुछ सिद्धांत बनाएंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी होगा। इसलिए पौलुस यहां पर बदले हुए जीवन की तस्वीर को खींचता है कि मसीह यीशु में जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया, और जब हम पानी में से ऊपर उठे तो जो मुर्दों में से जी उठने का एक निशान है, एक नमूना है, तो हम मसीह के साथ जी उठे। तो जब हम मसीह के साथ जी उठे तो हम मसीह में एक नई सृष्टि बन गए, और जब मसीह में नई सृष्टि बन गए तो अब हमारा जीवन अन्य जातियों का सा नहीं रहा, जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। लेकिन हम अपने मन की अनर्थ रीति पर अगर चलते हैं, हमारे अंदर वो बातें अभी तक पाई जाती हैं, तो 31 पद में जो ये 6 बातें हैं ये अब तक हमारे जीवन में हैं, कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा और वैर भाव, ये हमसे अलग होना चाहिए और ये हमारे वो सामान है जो कि हमको अपने साथ लेकर के ट्रैवलिंग में नहीं जाना है। हमारा 2022 समाप्त हो गया, अब हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे पास हल्का सामान होना चाहिए। इन सामानों को हम छोड़ दें, क्या ले चलें अपने साथ? वो 32 पद में, एक दूसरे पर कृपालु हो। कृपाल होने का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर कृपालु हम कब होते हैं, दयालु कब होते हैं? जब हम उसके दुखों में दुखी होते हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 4 अध्याय में कि हमारा जो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे साथ हमारे दुखों में सहभागी होता है। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी दुख पाता है, उसे भी दुख होता है, वो भी हमारे साथ दुखी होता है।
तो इसी भाव से कि वो हमारे दुखों में हमारा संभागी होता है, रिलेशनशिप को बताता है, यानी कि हमारे संबंध को बताता है, हमारे रिश्ते को बताता है कि हमने अपना रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से जोड़ लिया है। और जब रिश्ता जोड़ लिया है तो हम सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हम सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन सिद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। और रोज प्रतिदिन हमारा जीवन नया होता जाता है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों के तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का तीसरा अध्याय और उसका 18 पद, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जैसा जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये है हमारा परिवर्तित प्रोग्रेसिव लाइफ, आगे बढ़ने वाला जीवन जो मसीही स्वभाव का है और मसीह में आगे बढ़ता जाता है, परिवर्तित होता जाता है, मसीह की समानता को प्राप्त करता जाता है। ये जीवन जो है ये नया जीवन कहलाता है। और इस 2023 में जब हमने प्रयोग प्रवेश किया है, अवश्य कि हमें हर एक अपने आप को जांचे और अपने आप को परखे और देखे कि विश्वास में है या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय का 5 पद हमेशा याद रखें। भाई पौलुस हमें चेताते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम्हें बसा हुआ है? और अगर मसीह तुम्हें बसा हुआ नहीं है तो तुम बिल्कुल बेकार हो। वहां शब्द निकम्मा लिखा है कि तुम निकम्मे हो, और निकम्मे का मतलब होता है बेकार, किसी काम के नहीं हो। तो तुम्हारा जीवन भी अन्य जातियों के समान हो गया है, लेकिन हमारा जीवन अन्य जातियों का सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हमारा जीवन मसीह में नया हो गया है और प्रतिदिन वो नया बनता जाता है, दूसरा कुरिन्थियों के 3:18 के हिसाब से। और हम मसीह की समानता को प्राप्त कर रहे हैं, हम सिद्धता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए हमें उन चीजों को अपने साथ में लेकर चलना है जिसको कि पौलुस कहता है कृपाल। कृपाल का मतलब है दूसरों पर दया करना, हमें दूसरों पर दया करना है, करुणामय। ये लगभग वही है जो कृपाल होने के समान है। ये भी दया करने के, दया दिखाने के लिए है, यानी कि ये हमको सिखाता है सैक्रिफिशियल लाइफ। सैक्रिफिशियल लाइफ का मतलब हुआ अपने जीवन का बलिदान दूसरों के हित के लिए। दूसरों के हित के लिए हम करुणामय हों, और जब हम दूसरों के हित के लिए करुणामय होंगे तो फिर वो रिलेशनशिप वाली बात आ जाती है।
जैसे मसीह ने हमारे पाप क्षमा किए हैं, वैसे हम भी एक दूसरे के पाप क्षमा करें। तो पाप जो है एक रुकावट है, पाप जो है एक बाधा है, इसको हटाना है। और ये आदतें जो कि 6 बातें 31 पद में बताई हैं, ये पाप का परिणाम है। तो पाप अगर हट गया तो ये 6 बातें हट जाएंगी और हमारा जीवन नया हो जाएगा और हम प्रभु यीशु मसीह में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, एक दूसरे पर दया करेंगे, एक दूसरे के अपराध क्षमा करेंगे और हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य होगा और हम सिद्धता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ये है हमारा नया साल का रेजोल्यूशन। लेकिन हमें जांचना और परखना है कि हमने पिछले साल जो गलतियां की, जो भूल चूक हमसे हुई, हम उनको छोड़ दें। ये एक रेजोल्यूशन हमें लेना चाहिए। और जब हम ये रेजोल्यूशन लेते हैं तब हमारे अंदर एक नई जागृति आती है, प्रभु हमारा सहायक होता है और हम उसके साथ काम करने लगते हैं, अपने उद्धार के कार्य को हम पूरा करते जाते हैं, प्रभु हमारा सहायक होता है और हम एक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और तरक्की करते जाते हैं और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य होता है। और यही मसीही विश्वास के आधार पर सालवेशन कहलाता है, यानी मुक्ति कहलाती है, यानी छुटकारा कहलाता है। हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हो जाता है, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर हमें अपने बेटे और अपनी बेटी के रूप में ग्रहण कर लेता है। और इसलिए संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक तो परमेश्वर के लोग हैं जो कि उसके खून खरीदे हैं, जो हम हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस के ऊपर बहाया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। जो कुछ भी हमारी जरूरतें हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, हम प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने पहुंचाते हैं और प्रभु हमारी सुनता है और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। और इसलिए ये मसीही जीवन कहलाता है, ये नया मसीही जीवन है जो हमको प्रभु के निकट लाएगा और हमको उन बातों के लिए प्रेरित करेगा जो कि आत्मिक हैं और हमारे शरीर हमारी आत्मा के साथ संबंध रखती हैं। अब मैंने बताया ये 5 बातें जो हैं, मिरक तक यानी मेमोरी हो गई यानी याददाश्त, और इमेजिनेशन हो गया, रीजनिंग हो गई, और कॉन्शंस हो गया, और एक और है शब्द जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये 5 हमारे सहायक हैं जो हमारी आत्मा के हैं, हमारे रूह के हैं, जिनके द्वारा से हम आत्मिक बातों के ऊपर विचार करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं पहले विचार के रूप में हमारे मन में आता है। तो ये हमारे आत्मा के परिवर्तन के आधार पर होगा। अगर हमारी आत्मा जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उससे ढकी हुई है, तो ये 5 बातें हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है,
तो उस पर शैतान का अधिकार है। हमारी आत्मा के ऊपर किसका अधिकार है? शैतान। और उसी को भाई पौलुस अन्य जाति कहता है। अन्य जातियां अपने मन की अनर्थ रीति पर चलती हैं, और जितने धर्म हैं चाहे वो कुछ भी क्लेम करें, ये सब अपने मन की अनर्थ रीतियों पर चल रहे हैं, क्योंकि उद्धार के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उद्धार और कहीं नहीं है, न बुद्धा में है, न महावीर में है, न राम में है, न कृष्णा में है, न शंकर में है, न इंद्र में है, यानी हिंदुओं के 33 करोड़ देवता जो है इनमें किसी में नहीं है। चाहे वो कितना ही भक्ति क्यों ना दिखाएं, भक्ति में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। उनकी भक्ति बड़ी गंभीर है और सच्चे मन से वो भक्त कहलाने के लायक है, क्योंकि वो अपनी जान तक दे देते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जाने में। लेकिन अब देखिए, परमेश्वर का प्रकोप पड़ा है बद्रीनाथ और केदारनाथ के ऊपर। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि अब वहां किस प्रकार से बिल्डिंगों में क्रैक पैदा होने लग गया है, ये परमेश्वर की मार है। और हजारों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे हैं। ये उस हाईवे पर है जोशीमठ, जहां ये चार धाम का रास्ता जाता है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार इनके धाम कहलाते हैं, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत के ऊपर है। और वहां उनका दर्शन पाने के लिए कितने मुसाफिर जो वहां जाने को होते हैं अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन उससे कुछ लाभ होता नहीं है, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। वो मन की अनर्थ रीतियां हैं जिनके आधार पर ये अपने विश्वास में इतने भक्त दिखाई देते हैं। तो भक्ति तो जरूर है इनके अंदर, लेकिन गलत तरीके से वो अपने भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उनको उद्धार नहीं मिलता, और इसलिए ये उस कैटेगरी में आते हैं जिनको भाई पौलुस ने अन्य जाति कहा है। अविश्वासी और विश्वासी, हमारे भाषा में होगा विश्वासी और अविश्वासी। तो ये अन्य जाति जो है ये अविश्वासी लोग हैं, जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, ना उनके पास सुनने के कान हैं, ना उनके पास देखने की आंखें हैं, वचन की गहराई से वो दूर हैं, वचन का प्रकाश उनके ऊपर नहीं चमका है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन रखा है, मसीह यीशु में उसने हमको पहचान लिया, और इन अंतिम दिनों में अपने वचन का प्रकाश अपने नबी के द्वारा हम तक पहुंचाया है, जिससे हमारी आंखें खुल गईं, जिससे हमारे कान खुल गए और हमने एक नए जीवन का अनुभव किया है। काश ये नया जीवन इस 2023 में हमारे साथ बना रहे, हमारी अगुवाई करे कि हम मसीह की समानता को प्राप्त करें और उसके निकट आते जाएं, और जब समय पूरा हो तो वो हमें अपने साथ ले जाने के योग्य बन समझे। प्रभु आप सबको बड़ी प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भाई मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, सभा को आप संभाले। भाई विंसेंट। भाई विंसेंट धन्यवाद ब्रदर आपको।
के एहसास में आज हमें आशीष मिला है कि प्रभु के वचन, प्रभु ने आपके द्वारा हमें मिला है वचन, कि हमें जो मिला है कि हमारी जो चाल है उनकी जैसी ना हो, जो कि उनके मन की कठोरता के कारण से परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। अगर उन सारी आदतें अगर हमारे पास है तो परमेश्वर से हमें अलग करती है, और जो कि हमें और 5 बात मिली है ताकि वो परमेश्वर से हमें जोड़ती है आत्मिकता में, और उसी तरीका से हमें चलना है और उसको लेना है कि हमें मसीह को पहनना होगा और सारे जो पुराने स्वभाव है उसको उतारना होगा। कि प्रभु आपको आशीष दे, और जैसे हमें आज मिला है और दिन भी आपके द्वारा हमें ऐसे आशीष मिले, आत्मिक आहार मिले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको परमेश्वर बरकरार रखे, और ऐसे हमें और भी दिन हमें ऐसे ही वचन हमें मिलते रहे आपके द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे आपके परिवार को, और आने वाला दिन में भी ऐसे हमें मिल सके। धन्यवाद ब्रदर आपको। आइए हम अंत करने जा रहे हैं, तो अंत के प्रार्थना हमारे ब्रदर मसीह है उनके द्वारा अंत की प्रार्थना के लिए मैं समय देता हूँ, अनुरोध करता हूँ। प्रार्थना के लिए आपके अनुग्रह के कारण से आज की मीटिंग सेवा हुई है प्रभु। सुने आप सबको बहुत गहरी वचन सुनने के लिए जो हमारे पास्टर गॉडी जी को तूने अगुवाई की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हम लोग जो सुनने वाले हैं प्रभु, वे सब सुनकर प्रभु हमारे वचन में चल सकने सबको अगुवाई अनुग्रह आशीष रहे, और इसी तरह आने वाले समय में भी आपके द्वारा जो वचन प्रभु के महान वचन हमें मिलता रहे सुनने के समय, उनके लिए जो आशीष हमें प्राप्त हुआ है आज और आने वाले समय की हम लोग आशा रखते हैं। और आज के ये समय जो हमारे जीवन सब प्रभु के हाथ में हम अर्पण करते हैं, अपने अपने जीवन और नजीक से दूर से, अब जूम के माध्यम से हम लोग आज जो सेवकाएं हैं प्रभु, ये समय देने वाला केवल प्रभु है, और प्रभु के साथ में हम सब हमेशा बरकरार रखने के प्रभु से हम लोग दुआ भी प्रार्थना करते हैं। और ये सेवा इसी समय अभी इस प्रार्थना के द्वारा समाप्ति करते हैं। आमीन। जय मसीह सबको। जय मसीह आप सबको। जय मसीह। और थोड़ा अभी एक बात मैं भूल गया था बीच में बताने के लिए, वो मैं बताना चाहूंगा। जो शब्द मैंने बताया था मिरेकल, उसमें ए शब्द के ऊपर मैंने मुझे याद नहीं आया था उस वक्त, उसका मतलब होता अफेक्शन, ए से होगा अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत। तो एक बार फिर मैं 5 लेटर को बता दूं। M stands for memory, I stands for imagination, R stands for reasoning, A stands for affection, and C stands for conscience. ये 5 बातें हैं जो हमारे आत्मा के सहायक हैं, जिनके द्वारा से हमारी आत्मा संचालित होती है। धन्यवाद।